hello everyone welcome to Malhotra's ias academy in today's session of csat practice series we are going to solve a different type of passage this type of passages are usually asked in your examination where the examiner try to brainwash you with the other options that they have provided but you just have to rely the basic information that they have provided in the passage and the basic thing as mentioned there you need to choose from the crux and the basic thing that what is the main option that is going to be your answer so let's just try to find out what is the basic answer of the today's passage and you uh, what you need to understand from this passage if you have a general type of information in the passage itself that that uh, that, uh, that can be your uh, basic answer as well Agar सारे ऑप्शन गलत हो जाएं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है एक बेसिक ऑप्शन बचता है जो सीधा सीधा मेंशन होता है पैसेज में तो अगर बाकी ऑप्शन हमें गलत मिल रहे हैं तो सिर्फ उसे ही क्यों ना चूज कर लिया जाए जिसकी सीधी सीधी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्लियर तो चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा जब हम पैसेज को करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा तो पैसेज क्या कहता है कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विद एब्सट्रैक्ट डेटा लाइक कार्ड डिटेल्स एंड डेटा बेसिस बट ऑल्सो विद द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड वर्लरेबल ह्यूमन बॉडीज सो दे आर जस्ट से जो है वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेटा बेस को मैनेज नहीं करता आजकल वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को भी रिलेट कर रहा है या उसको भी कंट्रोल कर रहा है अ कार इज अ कंप्यूटर ऑन एन एरोप्लेन है जी इज अंप्यूटर ऑन विंग्स एरोप्लेन इज अंप सो पर्टिकुलरलीट कार इज अंप्यूटर एरोसो दिंग्स आईओ टी विच वी जनरली स्टडी इन आर जी एस पोर्शन विल सी कंप्यूटर्स बेस्ड इन टू एवरीथिंग हम वो देखेंगे कंप्यूटर्स जो है वो सारी चीजों में घुसे हुए हैं सारी चीजों में इनवॉल्व हैं फ्रॉम रोड साइंस एंड एम आर आई स्कैनर्स टू प्रोस्थेटिक्स एंड इन पंप देर इज लिटिल दै गैजी देर डेस्क टॉप काउंटर पार्ट मतलब जैसा कि हमारे डेस्क टॉप काउंटर पार्ट है वैसे ये होंगे ठीक है तो दीज थिंग बी सिमिलर और देयर इज लिटिल दैट दीज गैजेट विल बी एनी मोर ट्रस्ट वर्दी ठीक है ये ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे ठीक है ये बात उसने जो है पैसेज में साफ साफ लिखी है हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल यहाँ पर रिमोट uh, नहीं है कंट्रोल होगा आई थिंक रिमोट के साथ रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कार्स एंड पीस पेसमेकर्स ठीक है तो हैकर ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है दैट दे कैन हैक दीज थिंग्स या फिर आई कनेक्टेड या आई बेस्ड थिंग्स हाँ जी क्लियर हो गया आई थिंक आपको पैसेज समझ में आ गया होगा दैट द पैसेज इज टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट कंप्यूटर्स दैट दे आर नॉट सेफ ठीक है एंड इन विच आर इन विच एरियाज दे आर नॉट सेफ देव मैं यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे हैव एक्सप्लेन इन वेरियस मैनर्स विद वेरियस एग्जाम्पल्स एज वेल अब जो यहां पर आपके पास क्वेश्चन आता है नाउ वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ट द द मोस्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम पैसेज गिवन ठीक है तो मतलब बेस्ट क्रक्स पूछ रहा है यहां पर क्या पूछ रहा है बेस्ट क्रक्स पूछ रहा है या बेस्ट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वो ये आपको कहना चाहता है कि आप मुझे बताएं कि बेस्ट क्रक्स क्या है बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है पैसेज की तो अब जनरल यहां पर चारों ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे और उनके बेसिस पर हम अपनी सही स्टेटमेंट को चूज करेंगे पहली स्टेटमेंट देखते हैं कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ ठीक है अब ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ ठीक है क्या है ये इंफॉर्मेशन गिवन थी यस दिस कैन बी आर आंसर बट हम इसे होल्ड पे रख देंगे Second statement Companies producing the software do not take cyber security seriously. Now, there was no mention of companies taking the responsibility of cyber security. ठीक है वी वर जस्ट डिस्कसिंग द रोल ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है हम किसी और का रोल डिस्कस नहीं कर रहे थे हम यहां पर कंपनीज या फिर गवर्नमेंट का रोल डिस्कस नहीं कर रहे थे दिस ऑप्शन स्टैंड इनकरेक्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज नाउ सी स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड अब अगर आप देखो यस वी कैन से दैट कि हम डेटा लॉज ले आएंगे बट हैव ऑलरेडी प्रूवड कि जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं वो उन्हें हैक कर सकते हैं तो देर इज देर इज नथिंग दैट कैन बी डन विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स और यू कैन से दैट गैजेट्स तो ये अभी भी फोकस्ड नहीं है जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है नेक्स्ट प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट आर लाइव्स इन फ्यूचर या विल अफेक्ट आर लाइव्स इन फ्यूचर नाउ लेट जस्ट अंडरस्टैंड विद दिस कि हाँ ये अफेक्ट तो करेगा बट दिस वॉज नॉट द थिंग जो डिस्कस की जा रही थी पैसेज में पैसेज में ये वाली चीज तो हमें डिस्कस ही नहीं की गई ठीक है कि वो फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा हाँ ये तो अभी भी कर रहा है वो अफेक्ट तो नाउ कीपिंग दो थिंग्स इन माइंड डी ऑप्शन इज नॉट द सूटेबल वन दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट और दैट दैट ट्राइंग टू आस्क आस्क फ्रॉम अस सो डी will not be our answer. Now we are only left with the A option. ठीक है कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ अब पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन वही चीज उसने ऑप्शन में पूछ ली तो कई बार ऐसे पैसेजेस आते हैं इन एवरी ईयर कि जो उसने पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दी है या जो हमें एक बेसिक से इंफॉर्मेशन लगती है वही आपके लिए करेक्ट हो जाती है ठीक है इस टाइप में आप ये समझ करके चलेंगे कि यूपीएससी कैन आस्क सिंपल क्वेश्चन बट आपको पता होना चाहिए कि उनको आंसर कैसे करना है नॉर्मली इन सी सैट एग्जामिनेशन वट वी डू वी ट्राई टू फाइंड आउट द टफ ऑप्शन दैट मैच विद द यू कैन से दैट फ्रॉम द passage और फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज बट हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें पैसेज में दी जाती है हम उसको मैच करने की कोशिश नहीं करते तो थोड़ा सा जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो समझ करके चले क्लियर और आ, अपनी इस चीज को होल्ड पे रख करके चलें कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन जो है पैसेज से मैच करती है अगर आप होल्ड ऑप्शन यूज करेंगे तो आप सूटेबली ज्यादा एक्यूरेसी से आंसर कर पाएंगे आई थिंक दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग और इन क्रिएटिंग अन बेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व दोज पैसेज जो इस टाइप के होते हैं चलिए आई थिंक के आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट होता है आपको इस पैसेज से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्विकली चलिए ठीक है जी देन थैंक यू गाइज थैंक यू वेरी मच डू लाइक इट Share it with your friends and do subscribe our YouTube channel. Thank you, guys. See you in the next session.